संबल हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी फरहत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि फरहत ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें वो उकसाने वाली बातें कहता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम फरहत बताया जा रहा है। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान उसने भड़काऊ बातें कही हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। फरहत की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक संभल हिंसा के दौरान आरोपी फरहत ने दंगे का एक वीडियो बनाया जिसमें वो लोगों को उकसाने वाली बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया। फरहत की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 28 उपद्रवियों को पुलिस पकड़ चुकी है और बाकी की तलाश भी लगातार जारी है। वीडियो के आधार पर कई सारे चेहरों को नामित किया गया है जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है। संभल हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं कल जामा मस्जिद में जुमे की नमाज होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट हो गया है। इसे देखते हुए बुधवार को ही पुलिस प्रशासन ने कई हाई लेवल की बैठकें की थी, जिनमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और अन्य तरीके के इंतजाम कैसे किए जाएंगे इसे लेकर चर्चा हुई। वहीं संभल में अभी भी एहतियात बरतते हुए फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखा गया है। बता दें कि 24 नवंबर रविवार को जिला अदालत के आदेश पर एक टीम संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसके बाद अचानक बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और कम से कम 25 लोग, जिनमें उप जिलाधिकारी और कई पुलिस वाले शामिल हैं, वो घायल भी हुए। हिंसा के बाद उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नई गिरफ्तारी फरहत नाम के शख्स की हुई है, जिसको पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को फोटोज के आधार पर 45 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए थे, जिनमें बहुत से उपद्रवियों के नाम और उनका पता भी सार्वजनिक कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से ही करवाई जाएगी। वीडियो के आधार पर अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है।